पिछले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 5 का पार्ट 1 किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्व एक्सरसाइजेस की। अब हम देखते हैं अपना पार्ट 2 जिसमें हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको बताना है इन आंसर्स को शॉर्ट में। सबसे पहले साइंस और टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज़ को ज्ञान को प्राप्त करना, और वही टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि वो जो हमने सिस्टमैटिक तौर पे ज्ञान हासिल किया है उसको प्रैक्टिकल तौर पे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये चीज़ें जो दोनों ही वर्ड्स हैं कहने को डिफरेंट हैं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन जो है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में। तो आचार्य नागार्जुन जो है ये एक लर्नेड बुद्धिस्ट थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, इनको आचार्य कहा जाता है फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में। इन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो थी रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। इन्होंने एलोपैथी के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा उसका फेवर किया हर्बल मेडिसिन के साथ, और मरकरी ऐश का इस्तेमाल एक मेडिसिन के तौर पर उसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। थर्ड क्वेश्चन है आपको बताना है कौन कौन सी डिस्कवरीज आर्यभट्ट के द्वारा की गई मैथमेटिक्स में। तो डिस्कवरीज जो आर्यभट्ट के द्वारा करी गई, उन्होंने जीरो डिस्कवर किया, मेंशन करा वैल्यू पाई की जो है वो 22/7 3.14 है अपनी बुक आर्यभट्टियम में। उन्होंने ये बताया कि पाई जो है वो एक कांस्टेंट है ताकि जो रेशियो है सर्कमफेरेंस की और डायमीटर जो सर्कल का है उसको दिखाया जा सके। मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सब जो है इनके बारे में भी अष्टांग मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, इसीलिए इनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। इन्होंने बुक्स लिखी दशगीतिका और आर्यभट्टियम। फिर इन्होंने जो मेन प्रिंसिपल्स एस्ट्रोनॉमी के हैं वो भी शॉर्ट में बताए थे अपनी बुक आर्य सिद्धांत पे, और जो सॉल्यूशंस है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के उसके भी सॉल्यूशंस इन्होंने ही ढूंढे थे। फोर्थ क्वेश्चन है कि कितने सेक्शंस में एस्ट्रोलॉजी डिवाइडेड है। तो एस्ट्रोलॉजी डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में, तंत्र होर और संहिता में। पाइनियर्स कौन कौन कहे जाते हैं वास्तुशास्त्र के? तो पाइनियर्स हैं ब्रह्मा नारद बृहस्पति भृगु वशिष्ठ और विश्वकर्मा। जो राणा कुंभा थे मेवाड़ के उन्होंने भी इस साइंस को रिवाइव किया 15 सेंचुरी में, तो आप इनको भी पाइनियर में ले सकते हैं। अदरवाइज विश्वकर्मा जो है वो फर्स्ट आर्किटेक्ट माने गए हैं गॉड्स के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन चूज करके जो भी हमारे MCQs दिए हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी स्कल्पचर की इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है बुद्धा नटराजा बोधिगया और राम द आर्चर। तो करेक्ट आंसर है इसका नटराज। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है आपको बताना है। नागार्जुन जो है आचार्य माने जाते हैं केमिस्ट्री के, करेक्ट है। यूज जो मरकरी ऐश का एज अ मेडिसिन था इसको इनिशिएट किया था नागार्जुन ने, ये भी करेक्ट है। केमिस्ट्री इज नॉट अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये गलत है क्योंकि केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। और जो डिस्क्रिप्शन है मेटलिक एशेस का वो हमें देखने को मिलता है बुक्स ऑफ केमिस्ट्री में, ये भी बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी इसका आंसर है वो है सी, केमिस्ट्री इज नॉट अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। थर्ड क्वेश्चन है महर्षि चरक ने लिखी चरक संहिता, तो महर्षि सुश्रुत ने क्या लिखी? उन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता। जो क्लास ऑफ स्कूल था वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जो डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स के बारे में, अब इनमें से आपको बताना है सही बात क्या। श्रेया ने बोला कि भास्कराचार्य ने जो है बुक लिखी है लीलावती गणित और बीजगणित, सही है ये बात। यश ने कहा कि बोधायन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया डेसिमल सिस्टम, ये गलत है। मानसी ने कहा आर्यभट्ट जो है वो एक्नॉलेज किए जाते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स, सही है। हारदा ने कहा कि इंडिया ने डिस्कवर किया जीरो, ये भी बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि श्रेया मानसी और हारदा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। कौन सी बुक है जो ब्रह्म भाव पंचाली ने लिखी है? वो ब्रह्म भाव पंचाल ने लिखी है प्रजनन शास्त्र। एंशियंट इंडिया में किसने लिखी ब्रह्म सिद्धांत, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो ब्रह्म सिद्धांत लिखी थी ब्रह्मगुप्त ने। कौन सी साइंस है जो ये सजेस्ट करती है प्रिंसिपल डायरेक्शन के, जब भी हम कंस्ट्रक्ट कराते हैं टेम्पल्स को पैलेसेस को अशोकशाला फोर्ट या कुछ भी और, तो उसका आंसर है वास्तुशास्त्र। तो ये था आपका चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी समझ में आई सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के साथ।